नमस्ते मैम साहब। अरे लता तू मालती कहाँ है? उसका मर्द बीमार हो गया, उसकी देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में ही यहाँ हूँ। ओह आजा। लता ये इतने सारे फूल किसने भेजे? मालती ने बताया, समीर साहब ने। ये मुरझा चुके हैं, अब ये किसी काम के नहीं, इन्हें उठा के बाद फेंक दो। और कोई फोन? एक पेन देना। थैंक यू। हेलो, मैं रूबी। ओ हाय, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप इस वक्त दिल्ली में हैं या वापस लौट आई? ओ तो आपने ये पता लगा ही लिया कि मैं दिल्ली में थी। दरअसल समीर ने मुझे बताया। बात यह है रूबी कि मैं आपसे मिलना चाहता था। आई एम थ्रोइंग अ पार्टी अपने होटल के फाउंडेशन स्टोन रखने की खुशी में, तो मैं आपका कार्ड आपको देना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आप भी वहां पर आए, लेकिन आज सुबह ही मैं आपका कार्ड समीर को दिया हूँ आप तक पहुँचाने के लिए। आई थिंक कार्ड लेकर आप ही आए तो बेटर होगा। आपने जो समीर को कार्ड दिया उसे भूल जाइए, आपके पास और भी कार्ड होंगे ना? हाँ बिल्कुल, आप बताइए कि मैं कब आऊँ आपको कार्ड देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि हम कहीं और ही मिले, मिलना कब और कहाँ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके थैंक यू सो मच, आई विल वेट फॉर योर कॉल। बाय। ये खत आए हैं आपके लिए। आहा, ये है मेरे लिए। आपके लिए? किसका है? आपा का, आपकी। देखे तो जरा क्या कह रही है। क्या बात है, आपकी तारीफ कर दी क्या? आपकी बुराइयां की है। अच्छा। हाँ, अमृतलाल जी का है। अच्छा क्या लिखते हैं? शुक्रिया अदा किया है और लिखते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जल्दी भेज रहे हैं। आहा, बहुत अच्छे। नानू ये आ गए साहबजादे। आ गया मेरा शेर। आजा बाहर ले जाओ। बाहर ले जाओ बबलू, जब देखो बाहर जाने की जिद करता रहता है। हा? अरे भाई ये घर में रहता है तो मुसीबत खड़ी कर देता है, और इसके बाहर जाने पर आपको एतराज है। अब ये करे तो क्या करे, कोने में बैठकर अखबार पढ़े क्या? बेटा बाहर जरूर जाएंगे, जल्दी से जाओ और अपनी अम्मी से कहो कि आपको तैयार कर दें। ओके जा। सुनिए ना, आप आगे लिखती हैं। आप? मैं समीर हूं। और मालती कहाँ है? वो तो छुट्टी पर गई, पता है क्या काम है? मुझे रूबी का कांटेक्ट नंबर चाहिए। मैंने पहले भी मालती से पूछने की कोशिश की लेकिन वो मुझे टालती रही। खैर अब मैं वो कांटेक्ट नंबर लिए बिना यहां से जाने वाला नहीं। मैम साहब दिल्ली से वापस आ गई। दिल्ली से वापस आ गई? हाँ। कब? आज। फिर भी उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। जरूर उसे मेरे मैसेज नहीं मिले होंगे, नहीं बताया होगा उसे कि मैंने उसे कितने फोन किए। बताया। फिर भी उसने मुझे फोन नहीं किया। कहाँ है वो? बुलाओ उसे और बोलो उसे कि मैं आया हूं। वो घर पर नहीं है। घर पर? कहाँ? कुछ बता के नहीं गई। I'm sorry, Ruby. I'm very sorry. I'm late. It's okay. वक्त की पाबंदी मेरा पहला उसूल है, इसलिए एक मिनट की भी देरी मेरे लिए बहुत होती है। मैंने जब एक दोस्त के लिए वक्त निकाला है तो मैं वक्त की परवाह क्यों करूं? फिर तो मुझे दो बार शुक्रिया अदा करना चाहिए आपका। मैं कुछ समझी नहीं,
पहला शुक्रिया इस बात का कि आपने मेरा लोन सैंक्शन करवाया, और दूसरा शुक्रिया इस बात का कि आपने मुझे कम से कम अपने दोस्तों में तो शामिल किया। अकरम, कुछ ऑर्डर करें? हाँ, लेकिन उससे पहले जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए उसे तो खत्म कर लें। रूबी, ये मेरी पार्टी का इन्विटेशन कार्ड है। मैं अपने दिल की गहराइयों से मेरा लोन सैंक्शन करवाने पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उसी खुशी में दी जाने वाली पार्टी पर आपको इन्वाइट कर रहा हूँ। आप आएंगे तो मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। इस जज्बे से बुला रहे हो तो मैं इनकार कैसे कर सकती हूँ? अपने अब्बू और समीर के अलावा अगर किसी और के लिए मेरे दिल में जगह है तो वह आप हैं। आप नहीं जानते कि आपको खुद इनवाइट करने, ये यूं कहूं कि अपनी खुशी में आपको शामिल करने के लिए मैं कितना बेचैन था। आप दिल्ली में थी और वहां का कॉन्टैक्ट नंबर ना मेरे पास था और ना ही समीर के, इसीलिए एक्सक्यूज मी। हाय जालिम, यार बड़ी लंबी उम्र है तेरी। अभी हम तेरे बारे में बात कर रहे थे और तेरा फोन आ गया। हाँ, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि रूबी दिल्ली से लौट आई है। अबे तू अब बता रहा है? वो मेरे ही साथ है। तेरे साथ है? हाँ, लेक व्यू रेस्टोरेंट में हूँ। अपनी पार्टी का इनविटेशन कार्ड देना था उन्हें। हाँ, एक मिनट, समीर ऑन द लाइन। हेलो रूबी, रूबी कहाँ हो तुम? क्यों तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती हो? क्या तुम्हें मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें देखने की खातिर मैं कितना तड़प गया? कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम मेरी सांसों में समाई हुई हो, मेरी धड़कन में बसी हुई हो तुम? रूबी, तुम मुझे भले ही ना चाहो, ये तुम्हारे बस में हो सकता, लेकिन लेकिन मैं तुम्हें ना चाहूं, ये मेरे बस में नहीं। और कुछ कहना बाकी है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ रूबी। फिलहाल मेरे बहुत से काम अधूरे पड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ी बिजी हूँ। अकरम की पार्टी में मुलाकात हो जाएगी। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू। हाँ, मजा आया आज? बबलू मिया, अरे बेटे गिर जाओगे। मामा बोलो। हाँ भैया, कैसे दिए बलून? 5 रुपए का एक। तो ऐसा करो, 6 रंग के 6 दे दो हमको। हैं? चल। वाह, एक। ये निकाल दो यार इसमें से। एक। अभी रुक जाओ। अभी नहीं उड़ जाएंगे नहीं तो। 2। हाँ, ये लाल वाला दो। हाँ, ये वाला दे दो। 3। बहुत अच्छे रंग है, नहीं बेटा? ये लीजिए। 6 हो गया। ये लीजिए। मामू, अकरम मामू। थैंक यू सो मच रूबी, आप यहाँ पर आई और मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। I'm really grateful. Anyway, आज की हमारी ये मुलाकात बहुत अच्छी रही। Bye. Bye. I look forward to see you. Me too. अरे बबलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नानू लेके आए। कहाँ है नानू? वो रहे। चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे साथ वो लड़की? वो रूबी थी। कब से जानते हो उसे? अभी जानते हो उसे?
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कब से जानते हो उसे? अंकल कोई पुरानी मुलाकात नहीं है। क्या ताल्लुकात है तुम्हारे उससे? अंकल वैसी कोई बात नहीं जो आप सोच रहे हैं। दरअसल बात यह है कि रूबी एक फाइनेंस कंपनी में एग्जीक्यूटिव है और मेरा लोन सैंक्शन करवाने में उसने मेरी पूरी मदद की है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ समीर के कहने पे। अंकल समीर के कहने? जी हाँ, समीर ने तो मुझे यही बताया कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और समीर की सिफारिश पर ही मेरी इतनी बड़ी मुश्किल हल हुई है। तो इसका मतलब समीर और वो लड़की अक्सर मिलते होंगे? हाँ मिलते ही होंगे शायद।